औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, टॉपिक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक जो ये लेसन है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें से लेसन नंबर 10 है। तो इसमें से हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। अब इसका जो टॉपिक आज पढ़ना है हमें यहाँ पे, तो बैक इन 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, हैड प्रोमिस्ड दैट वंस द कंट्री वन इंडिपेंडेंस ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविनेंस। तो टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है कि स्टेट्स कैसे बन गई, कि किस तरह से जब इंडिपेंडेंस यानी फ्रीडम हुई, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हुई इंडिया में, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद किस तरह से स्टेट्स बनाई गई। तो इसका ये टॉपिक हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो नेशनल कांग्रेस जो थे, 1920s की बात है, हम 1920s में जाएंगे बैक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उन दिनों थे, तो उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल उठाई, तो इसको उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक बार जब हमारी कंट्री आज़ाद हो जाएगी, तो हम हर किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है उनकी ओन प्रोविनेंस होगी। However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. तो इसके बाद जब आज़ादी हो गई, तो कांग्रेस ने इस बारे में कोई स्टेप नहीं उठाए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। For India had been divided on the basis of religion, despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi. इसके बाद इंडिया जो है ये सेपरेट हुआ, यानी रिलीजियस बेसिस पे हिंदू एंड मुस्लिम अलग अलग हुए गए, जिसमें पाकिस्तान एक अलग मुल्क करार दिया गया। तो उस वक्त जो इनकी सेपरेशन हुई, ये जो महात्मा गांधी थे उनकी विशेस, उनके एफर्ट्स के खिलाफ था। फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू फ्रीडम के बाद वहाँ पे सिर्फ एक ही नेशन को फ्रीडम नहीं मिली, बल्कि दो नेशन इसमें बन गए, एज हम कहेंगे रिलीजस के हिसाब से। यानी मुस्लिम्स ने अपना अलग पार्टीशन बनाए थे, हिंदूज ने अपना अलग। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मोर देन ए मिलियन पीपल हैड बीन किल्ड इन राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो जब ये वॉर यानी हिंदू मुस्लिम वहाँ पे स्टार्ट हुई इंडिया में, तो जो पार्टीशन इंडिया का था, इसमें लगभग 1 मिलियन पीपल जो थे वो मारे गए, लोग मारे गए, क्योंकि हिंदू एंड मुस्लिम जो लड़ाई उसमें हुई थी। After the creation of Andhra, other linguistic communities also demanded their own separate status. जिस तरह से आंध्र प्रदेश बनाया गया, एक linguistic community बनाई गई, इनको ये अलग state मिली, तो इस तरह से दूसरे states भी जो थे वो अपने separate status demand कर रहे थे। स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप, एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया गया। वी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956 रिकमेंडिंग द रिवॉर्डिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असामीज। तो इसके बाद जो ये रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, इसको सेटअप किया गया। तो इन्होंने अपना जो रिपोर्ट था 1956 में सबमिट किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, प्रोविंसेस थी, उनकी बाउंड्रीज को रिकमेंड किया। तो इन्होंने इसके बाद एक उनकी बाउंड्रीज देखी, वहाँ पे इन्होंने प्रोविंसेस बनाए। असामीज थे, बंगाली, ओरिया, तमिल, मलयालम, कन्नडा एंड तेलुगु स्पीकर जो थे रेस्पेक्टिवली। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज ऑल्सो टू बी ब्रोकन अप इन टू सिवरल स्टेट्स। तो इसमें हर एक अलग अलग हो गए, असामीज जो थे, बंगाली, ओरिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु स्पीकर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये अलग अलग जबानें जो बोली जाती थी, द लार्ज इनमें से जो ज़्यादातर ये हिंदू बोलते थे, ये एक लॉरेज रीजन आता था जो नॉर्थ इंडिया में है, तो ये भी ब्रोक हो गए। इसमें बहुत सारी स्टेट जो थी वो अलग अलग हो गई। तो इस तरह से इंडिया जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान में स्टेटस फॉर्मेशन हो गई, यानी स्टेटस सामने आई। तो हम इसके कुछ और टॉपिक्स हमें भी पढ़ने इस लेसन के, वो हम
कल पढ़ेंगे। थैंक्स।